नमस्कार दोस्तों, ये महिंद्रा मैक्सिमम है, 2011 का मॉडल है। कस्टमर का कहना है कि चलते चलते गाड़ी बंद हो रही, वापस सेल्फ मारने पे स्टार्ट होती जाती है। तो देखते हैं इसका, चेक करके। अभी इसमें इग्निशन स्विच मैंने ऑन किया, ये देखो इसका इंजन चेक लाइट बंद होके वापस आ रहा है, वापिस एक बार इग्निशन स्विच ऑन करेंगे। ये देखो आके ये लग के रहा है, तो इसको अभी स्टार्ट भी करके देखेंगे। ये इंजन चेक लाइट आके बंद हो जाना चाहिए, इसको स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल भी इंजन चेक लाइट ऑफ नहीं हो रहा। इसको ऐसे सिचुएशन में इसको स्कैनिंग करना ही ठीक रहता है, तो इसको स्कैनिंग करेंगे। इसको मैंने एक इग्निशन स्विच ऑन किया हुआ है, अभी इसको स्कैनिंग, मैंने स्कैनर पहले से कनेक्ट किया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये डायग्नोसिस में गया इंडिया, महिंद्रा में जाएंगे, डायग्नोसिस ये महिंद्रा मैक्सिमो क्लिक करेंगे। ये लोड कैरियर है, व्हीकल है, इसको सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे। ऑटो सिलेक्शन के बजाय इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें रेड डबल क्रोल देखेंगे। ये देखो इसमें इतना पूरा कोड आया हुआ है, P2265, P1792, P1120, P0118, P0501, P0223, P0223, P0336, P0335, P0160। ये इतना इसमें कोड आया हुआ है, ये कस्टमर ने किसी तरफ इसका काम किया हुआ है, इसका कपलर वगैरह निकाला था, कोई तो भी इसका सर्विसिंग वगैरह किया रहेगा शायद, इसकी वजह से इसमें इसमें इतना कोड आ रहा है। इसका डायग्नोसिस में करेंगे, DTC रिपोर्ट चेक करेंगे इसका। ये देखो इसमें इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का सब कोड है, P2265, P1792, ब्रेक सिग्नल, पब्लिशली एरर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर एरर। इसका क्लियर DTC करके देखेंगे। कौन सा फॉल्ट इसमें फॉल्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा, मगर देखो ये परमानेंटली इसमें P0118 का कोड, सिग्नल रेंज चेक द फॉर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर अबाउ द मैक्सिमम लिमिट, ये कोड इसमें क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये टेम्परेचर सेंसर का मैंने कपलर निकाला हुआ है, इसका कपलर में बॉडी डस्ट वगैरह इसमें आ चुका है, क्योंकि ये नीचे के साइड में रहता है, पानी वगैरह इसमें से बॉडी डस्ट वगैरह जमा होता है। तो इसको पहले इसका इसमें जो वोल्टेज आता है, तो ये वोल्टेज इसमें 5.24 के बराबर इसमें वोल्टेज आता है, तो ये वोल्टेज परफेक्टली आ रहा है इसमें। इसका अभी क्या करेंगे, टेम्परेचर सेंसर टेस्टिंग करेंगे। इसको मल्टीमीटर मैंने 20K पर रखा हुआ है, उसका दो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीमीटर का कॉर्ड इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो इसका पूरा रीडिंग 1 पॉइंट दिखा रहा है, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। ये मैंने अभी इसको रीडिंग दिखाने के लिए आपको एक दूसरा सेंसर मैंने लिया हुआ है, तो इसका रीडिंग देखो
1.39 के करीबन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। ये मैंने इसका अलग सा आपको दिखाने के लिए अलग सा कपलर वगैरह लगाया हुआ है। ये देखो इसका 1.39 के करीबन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है, मगर इस पर इसका कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं दिखा रहा। तो ये देखो इसका मैंने क्या किया हुआ है, अभी इसको नया दूसरा एक ओरिजिनल सॉकेट इसमें लगाया हुआ है। तो इसका अभी रेजिस्टेंस वैल्यू देख के इसमें ये देखो 1.32 के करीबन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू परफेक्टली दिखा रहा है। तो ये कपलर का ही फॉल्ट था, ये मैंने पुराना कपलर निकाला हुआ है, इसमें अलग सा कपलर मैंने लगाया हुआ है। तो ये मैंने वायरिंग वगैरह इसका अच्छे तरह से परफेक्टली जॉइंट इसमें कर दिया हुआ है। इसमें एक सिग्नल वायर रहता है और एक इसमें 4.6 वोल्ट तक इसका वोल्टेज दिखाता है। ये देखो इसमें अभी इंजन चेक लाइट वगैरह इसमें आके बंद हो रहा है पूरे तरह से, मगर इसको इसमें स्कैनर से इसका ये देखो आके इसमें लाइट गुल हो रहा है। इसका स्कैनिंग में से इसका फॉल्ट कोड जो है इसमें क्लियर कर देंगे। ये देखो इसमें ये कोड वैसे ही रहेगा, इसको क्लियर करेंगे। ये देखो कॉल ट्रबल इज सक्सेसफुली क्लियर हो गया है, ये नो कोड ट्रबल कोड दिखा रहा है अभी अपना, ये पूरा ट्रबल कोड क्लियर हो चुका है। तो इसको इंजन स्टार्ट करके देखेंगे, ये देखो इंजन स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल भी इंजन चेक लाइट वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बहुत से लोग करते नहीं, ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो हम इस चैनल पे आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।